ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना सलोन के अपराध में अभियुक्त पंकज कुमार वर्मा को अपनी चचेरी बहन अंजू की हत्या करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तथा अर्धदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले एडीजी क्रिमिनल दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि अपराध की प्राथमिकी मृतका के पति संदीप ने थाना सलोन जिला रायबरेली में दर्ज कराई थी। उसने गांव इछवापुर मंजरेगाड़ी इस्लाम की अंजू गैर बिरादरी में प्रेम विवाह कर लिया था। विवाह के उपरांत ही बाहर चली गई थी। 7 वर्षों के उपरांत वापस आई तो गैर बिरादरी में विवाह करने से नाराज अभियुक्त ने अंजू पर शौच जाने के दौरान क्रिकेट के बैट से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और बहस के सुनने के बाद न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी माना गया। आरोपी को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए का अर्थदंड दिया गया है। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। क्या मामला था, किस बारे में सजा? मेरा नाम दिनेश बहादुर सिंह, सहायक जिला शासकीय दफ्तर फौजदारी। आज मेरी कोर्ट FTC फर्स्ट में अमित कुमार यादव साहब ने सलोन थाने का एक मामला था 302 का 462/19, उसमें ऑनर किलिंग का मामला था। उसमें चचेरे भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी थी। मामला इस तरह था कि उसमें वादी मुकदमा संदीप ने थाना सलोन में एक FIR लिखाई थी कि उसने अपने गांव की लड़की से अंजू से प्रेम विवाह किया था गैर बिरादरी में, तो और उसको लेकर यहाँ से चला गया। तो दोनों लोग 7 साल बाद जब गाँव लौटे तो उसके भाई ने इसे क्षुब्ध होकर बैट के बल्ले से मार के उसका सर फाड़ दिया और उसी मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। उसमें आज जज साहब अमित कुमार यादव ने आजीवन कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कितने साल मुकदमा चला? ये 19 का मुकदमा है। 19 को चार्जशीट लगने के बाद अब हमें FPC फर्स्ट में मुकदमा चला है। उसके बाद आज 5 फरवरी को इसका निर्णय आया।